कोतवाली थाने से एक मामला सामने आया है जहां पर एक महिला को मामले का समझौता करने पर पैसे का प्रलोभन दिया गया। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली एसआई के द्वारा दुष्कर्म पीड़ित महिला पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा था, तो वहीं महिला लगातार न्याय की मांग पर डटी रही। इसके साथ ही महिला को मेडिकल टेस्ट कराने के नाम पर डराते हुए थाना प्रभारी संदीप ठाकुर का ऑडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआई संजीव ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। क्या है, बालिग है और लड़का भी बालिग है, सीएफ का जवान है और इनका पहले एंगेजमेंट हो चुका था, आपके सब परिवार को मालूम है, दोनों परिवार को बीच में पता नहीं शादी करने में कुछ दिक्कत आई, तो उसमें मतलब लड़की मेरे पास भी आई और शिकायत की, तो फिर मेरे माध्यम से एफआईआर भी हुआ है। अभी थाना प्रभारी को मैं निर्देशित किया था और उसमें गिरफ्तार तो करना ही है, अभी तक के गिरफ्तारी हुआ नहीं है, सिपाही का वेतन भी रुका है और जो आरोप लगाया थाना प्रभारी पर उसमें मतलब जैसे मोबाइल से बात हुआ है उसमें ज्यादा वो तो नहीं है, फिर जब उसमें जांच के बाद ही मतलब उसमें बता पाऊंगा और कार्रवाई करूंगा। मैं आज ही एसडीओ मुंगेली को मतलब आवेदन दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या बात हुई है, कोई अश्लील बात तो नहीं हुआ है, तो मैं जांच के बाद ही कार्रवाई करूंगा। ये मामला एक बालिक युवती आई हुई थी थाने में, आवेदन दी थी युवक के खिलाफ में जो कि एक कांस्टेबल है सीएफ में, और लगातार उसके लिए उन्होंने आवेदन के बाद दो तीन दिनों के बाद हमने उनको तलब किया कि आप आइए इसमें एफआईआर कराइए कहके, उस समय तो उन्होंने उसमें किसी प्रकार का एफआईआर की बात नहीं कही, वो आवेदन 7-8 दिनों तक थाने में रखा रहा। उसके बाद जब वो चाहे चाह रही थी वो युवती की उस व्यक्ति से उसका एक बार काउंसलिंग हो जाए, तो किंग इंटरनेशनल होटल में उनके समाज के लोग दोनों बैठे हुए थे, समाज के लोग बैठे हुए थे वहां पे, ये तय किया गया कि करना क्या है, इसमें एफआईआर करना है या शादी करना है, तो ये तय हुआ कि 4 महीने के बाद वो लड़का तैयार भी हो गया था शादी करूंगा करके, लेकिन शादी नहीं हो पाई, इस वजह से महिला आके अपने शिकायत आवेदन पर से एफआईआर कराई है। उसके बाद 2 महीने से लड़के को खुद मतलब पहले से ही टीआई सर का कहना था कि अग्रिम जमानत के लिए मैं बोल देता हूँ तुम्हें एफआईआर करवा रही हूँ, उसके बाद लड़के को खुद बचाया जा रहा था यहीं से, मैं थाना भी जाती थी बोलने के लिए कि सर मेरे को कम न्याय दिलाएंगे, मैं एसपी ऑफिस भी आई थी बहुत बार, यहाँ से मेरे को नहीं मिला कोई रिस्पांस, तो मैं कल आईजी सर के पास भी गई थी, आईजी सर बोले कि मेरे ऊपर भरोसा है ना तुम्हारा काम करवा दूंगा। ऐसे पीड़िता घूम रही थी, उसको किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा था, और वो मुझे जानकारी मिला और कांग्रेस सरकार द्वारा कभी किसी के साथ न्याय नहीं होने देती, इस वजह से मैं अपने लेटर हेड से शिकायत किया और जो आरोपी हैं, जो पुलिस भी उनका साठ गार्ड आरोपी के साथ मिले हुए हैं, उनके खिलाफ मैं शिकायत किया एसपी सर से और जल्द से जल्द दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की बात। थाना प्रभारी खुद मिले हुए थे और पीड़ित पक्ष से बार बार उनके द्वारा किसी प्रकार का अश्लील बातें किया जा रहा था, जो मुझे रिकॉर्डिंग मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग आया उसको सुनकर फिर मैं एसपी साहब के पास शिकायत किया हूँ कि थाना प्रभारी को तत्काल यहाँ से बदला जाए और नया थाना